बच्चों, आज हम गणित के ही कुछ प्रश्नों की ऐसी बातें करेंगे जो कि आपकी किताब में आपको जरूर मिलते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन से प्रश्न हैं जिसकी बात दीदी कर रही हैं? तो वो प्रश्न हैं गणित के जिसमें कि आपको अपने खोए अंक को ढूंढना पड़ता है। समझ में आई मेरी बात? वो प्रश्न जिसमें कि कहीं कहीं हमको खाली स्थान दिए रहते हैं, यानी कि रिक्त स्थान भरो, तो वो एक तरह से खोए हुए अंक को ढूंढने वाली बात होती है। तो वो खोया हुआ अंक आज हम आपको बताएंगे कि हम कैसे ढूंढें, क्योंकि ढूंढने के बाद फिर हमको कैसे पता चलेगा कि जो हमने अंक ढूंढा है वो सही है कि गलत है। और आप सोच रहे होंगे कि ये खोया अंक तो बहुत तरह से होता है, क्योंकि प्रश्न तो हमारे पास जोड़ के भी होते हैं, घटाने के भी होते हैं, भाग के भी होते हैं। तो आप परेशान मत होइए, हम आपको तीनों में जो अंक खोया जाता है, जो कि आप पता लगाएंगे, उसके बारे में आज हम बताएंगे। है ना मजेदार बात? तो आज हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि अगर जोड़ के प्रश्न आपके पास होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं आपकी किताब में, तो उसमें से जो खोया अंक होता है वो कैसे प्राप्त करते हैं। फिर बारी आती है ऋण के सवालों की, यानी कि घटाने के प्रश्न, उसमें अगर कोई अंक खोया है उसको आप कैसे पता लगाएंगे। और अंत में बारी आती है भाग के सवालों की। ठीक है, तो आज हम आपको इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे, और आप भी बहुत ध्यान से देखिएगा और फटाफट आप अपने प्रश्नों के उत्तर आप खुद ही जांच कर सकते हैं और खोए अंक को बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चले शुरू हो जाते हैं धन के सवालों से। बच्चों, सबसे बड़ी बात, जैसे कि हमको हमने ये तीन लिखा और धन, अब हमको यहां पे ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, या इस तरह से हमको दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। ये दो प्रश्न हमको दिए हुए हैं। पहले वाले प्रश्न में यहां पे खोया हुआ एक अंक है, इस वाले प्रश्न में यहां पे खोया हुआ अंक है, और हमको ये पता लगाना है कि यहां पे वो कौन सा अंक होना चाहिए जिससे कि हमारा ये प्रश्न जिसका कि उत्तर 5 है वो भी सही आ जाए। इसमें यहां पे कौन सा अंक भरे जिससे कि हम इसको जोड़ने के बाद इसका भी उत्तर 5 आए, वो भी सही हो जाए। तो अब आप कैसे पता लगाएंगे? तो इस बात के लिए मैं आपको ये बता रही हूं कि अगर कोई धन का सवाल है उसमें हमको उत्तर दिया हुआ है, ये भी धन का सवाल है इसमें हमको उत्तर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों सवालों में, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि धन के जो दोनों सवाल होते हैं इस तरह से कि जिसमें कि ऊपर खाली स्थान है और एक में नीचे खाली स्थान है, इन दोनों हम प्रश्नों में एक चीज याद रखेंगे कि देखिए 5 में से अगर हम 3 को घटाते हैं तो, और इधर 5 में से हम 3 को घटाते हैं, ठीक है, तो 5 में से 3 को घटाया तो क्या आया 2, तो हम 2 यहां लिखेंगे। 5 में से 3 को घटाया कितना आया 2, वो हम यहां पे लिखेंगे। अब आप देखिए 3 और 2 5, 2 और 3 5, ठीक है, मतलब कि धन के सवालों में किसी भी तरह की हमारे क्वेश्चन दिए हैं, कोई भी प्रश्न दिया हो जिसमें कि नीचे खाली स्थान है, इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें ऊपर खाली स्थान होता है, तो दोनों केस में हम क्या करते हैं, हम घटाने से ही उस खोए हुए अंक को प्राप्त करते हैं। इसी का एक उदाहरण हम और लेते हैं, देखिए जैसे कि 6 है और हमको जोड़ना है, उत्तर हमारा आ रहा है 7। दूसरा वाला प्रश्न हम लिखते हैं यहाँ पे कि हमने एक, जैसे यहाँ पे हमने बनाया रिक्त स्थान की जगह, यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 6। आप देख रहे हैं ना, 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। और अब हम देखते हैं कि हमारा ये जो प्रश्न है वो सही है कि नहीं, तो 6 और 1 कितना होता है 7, यहाँ पे 4 और 2 कितना होता है 6। इसका मतलब कि हमने जो अंक खो गया था उसको जो ढूंढा वो बिल्कुल
सही है। तो आपने क्या समझा कि जब हमारे पास धन के सवाल हो तो उसमें हम खोए हुए अंक को जो उत्तर दिया होता है और जो एक अंक हमारे पास होता है उसको हम आपस में घटा देते हैं, तो हमें जो उत्तर मिलता है वो खोए अंक का उत्तर होता है। समझ में आया? चलो अब बारी आती है कि अगर हमारे पास ऋण के सवाल होते हैं अर्थात घटाने के सवाल, तो घटाने के सवाल में भी दो तरह के होंगे। देखो जैसे कि 5, उसमें से हमको कितना घटाएं कि हमारे पास उत्तर आता है 2। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है, ये खाली स्थान है। ठीक है, और दूसरे में हमारा खाली स्थान, हम क्योंकि हमारे पास दो ही तरह के प्रश्न हो सकते हैं जिसमें कि एक में नीचे हमारा खाली स्थान होगा और दूसरे वाले प्रश्न में ऊपर खाली स्थान होगा। खोए अंक हम दो ही तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, हमें कोई खोया अंक हमने लिखा, अब यहाँ पे कोई अंक लिखते हैं हम, मान लो जैसे कि हमने लिखा 4, तो यहाँ पे क्या है 2। ठीक है, आप दोनों प्रश्न को देख रहे हैं, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे खोया अंक हमको प्राप्त करना है, यहाँ पे लिखा है उत्तर 2, यहाँ पे खोया अंक है, यहाँ पे लिखा है 4 और यहाँ पे उत्तर लिखा है 2। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि हमने धन वाले सवाल में बताया था कि उसमें हम घटा के प्राप्त करते हैं, तो ये ऋण के सवाल है तो इसमें भी हम प्लस करके पता लगा लेंगे, धन करके पता लगेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, खोया अंक इतनी आसानी से नहीं मिलता है हमारे। देखिए ध्यान से इस बात को आप लोग सुनिएगा, जब खोया अंक हमारे ऊपर वाले अंक के नीचे होता है अर्थात इस स्थिति में होता है, उस स्थिति में हम पहले वाले अंक में से उत्तर को घटा देते हैं। ठीक है, और इस वाले स्थिति में जबकि खोया अंक हमारा ऊपर स्थित होता है, उस स्थिति में हम उत्तर के साथ पहले वाले अंक को जोड़ देते हैं। समझ में आया? नहीं ना, एक बार फिर से। जब हमारा खोया अंक इस स्थिति में होता है, नीचे की तरफ होता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि उत्तर के साथ हम पहले वाले अंक को, जो कि हमारा दिख रहा है 5 है, उत्तर हमारा कितना आया 2, तो पहले वाले अंक में से हम उत्तर को घटा देते हैं। पहले वाले अंक में से उत्तर को घटाते हैं तो इस स्थिति में जो खोया अंक होता है वो प्राप्त हो जाता है। और दूसरी स्थिति में जब यहाँ पे होता है खोया अंक ऊपर, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमारे उत्तर के साथ जो अंक होता है उसको जोड़ देते हैं। अब देखो यहाँ पे पहला अंक क्या है 5, उत्तर कितना है हमारा 2, 5 में से 2 घटाया कितना आया 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3, तो खोया अंक हमारा क्या हो गया 3। अब इस वाले सवाल में देखो, जैसा कि हमने बताया था कि अगर खोया अंक ऊपर स्थित है तो हमारा उत्तर आया 2 और अंक हमारा जो कौन सा बचा है 4, 4 और 2 कितना होता है 6, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 6। समझ में आया? है ना मजेदार बात कि खोया अंक कैसे, क्योंकि खोया अंक तो बहुत तरह से ढूंढा जाता है, धन में भी और ऋण में भी। तो ऋण में भी दो परिस्थितियां होती हैं, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। तो अभी आपने देखा धन के सवालों में और ऋण के सवालों में, और अब बारी आती है भाग के सवालों में, है ना। तो चलो भाग के सवाल बताते हैं, उसमें खोया अंक हम कैसे ढूंढे, उसमें भी दो हमारे प्रश्न होंगे। देखो जैसे कि हमने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा है 10, तो यहाँ हमको खोया अंक प्राप्त करना है। और एक तरह का होता है कि 2 और यहाँ पे हमको खोया अंक लिखना है, यहाँ पे लिखा है। अब बताइए आप, इसमें भी हमारे दो तरह के भाग के सवाल हैं, इसमें हमको कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पे क्या उत्तर आएगा, यहाँ पे क्या उत्तर आएगा। तो इसमें तो आप सीधे सीधे भाग करके खोया अंक प्राप्त कर सकते हैं कि 2, 10 में हम 2 का भाग देंगे। ठीक है, 10 में 2 का आप भाग देंगे तो 2 × 5 = 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और हमारा यहाँ पे लिखा हमने 10 और ये आ गया हमारा खोया हुआ अंक। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे बीच में है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए 2
और 5। अब हमें खोया अंक प्राप्त करना है, तो भागफल ये है हमारा, भागफल में भाग देने वाली संख्या कौन सी है? 2। इन दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं तो उत्तर आता है हमारा 10। तो जो उत्तर आता है वो हम यहाँ लिख देते हैं, ये मेरा खोया हुआ अंक मिल जाता है। और जब हम पूरी तरीके से भाग करके देखते हैं कि हमारा ये खोया अंक सही है कि नहीं, तो देखिए बच्चों, भाग देके 2 × 5 = 10, 10 आ गया और हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। और अब भाग में एक स्थिति और होती है, आप सोच रहे होंगे कौन सी, तो देखिए अब हमारा खोया अंक यहाँ पे भी हो सकता है। हमने लिखा यहाँ पे 10 और यहाँ पे लिखा हमने 5, ठीक है। तो भाग में 3 स्थितियां हुई, एक पहली ये वाली, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली, ठीक है। तो तीसरी स्थिति में अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या भरा जाए कि हमारा खोया अंक मिल जाए। तो यहाँ पे भागफल कितना है? 5 और 10 जिसमें कि हमको भाग देना है, तो हम 5 का 10 में भाग दे देंगे और जो हमारा उत्तर आएगा वो हमारा खोया अंक होता है। 5 और तो 10 में हमने भाग दिया किसका? 5 का, ठीक है। तो 10 में हम भाग देंगे 5 का, तो 5 × 5 5 × 10, तो उत्तर हमारा आया 2। तो हम 10 में जब हमने 5 का भाग दिया तो उत्तर आया 2, 2 हम यहाँ लिखेंगे। और हमको देखना है कि हमारा उत्तर सही है कि नहीं, तो आप पूरा पूरा भाग दे दीजिए, 2 × 5 = 10, 10 हमने यहाँ पे लिखा, ये काटा, तो इससे क्या पता चला कि हमारा उत्तर सही है। तो आपने देखा कि भाग में 3 परिस्थितियां हुई, पहली क्या कि जब हमारा खोया हुआ अंक यहाँ पे होता है, दूसरी परिस्थिति में हमारा खोया हुआ अंक बीच में होता है, और थर्ड पे तीसरे में खोया हुआ अंक हमारा यहाँ पे होता है। तो पहले जो प्रश्न था जिसमें कि खोया अंक यहाँ पे था, तो हमने क्या किया था, सीधे सीधे भाग दे दिया था, 10 में 2 का भाग दिया, 2 × 5 = 10 आ गया, तो ये हमारा खोया अंक यहाँ पे मिल गया। अब अगर यहाँ पे खाली है खोया अंक यहाँ पे, तो हमने क्या किया, जो हमारा भागफल कितना आया 5, भाग किससे देना है 2, आपस में दोनों का गुणा कर दिया, जो संख्या हमारी आई वो हमारी खोया अंक की संख्या थी। तीसरी स्थिति हमारी क्या थी, यहाँ पे हमारा खोया अंक था, तो 5 भागफल है 10 जिसमें कि हमको भाग देना है, तो हमने 10 में 5 का भाग दिया तो उत्तर आया 2, 2 हमने यहाँ लिखा, तो हमारा ये खोए हुए अंक मिल गए। तो आपने क्या सीखा, चलिए आपको एक बार हम पूरा बताते हैं कि आपने क्या क्या सीखा। देखिए धन का जो सवाल था उसमें हमने खोया अंक किससे प्राप्त किया, ऋण करके, मतलब कि धन के सवालों में खोया अंक हमने ऋण से प्राप्त किया, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा, ऋण का सवाल था। अब आप देखे होंगे कि ऋण के सवाल में तो 2 स्थितियां बताई गई थी, तो ऋण के सवाल में जब हमने खोया अंक प्राप्त किया तो उसमें क्या था कि पहली स्थिति क्या थी, जब हमारा खोया अंक ऊपर था, तो जब हमारा ऊपर था तो हमने क्या करा था कि उसको जो है हमने जोड़ के प्राप्त किया था, जोड़कर, जब हमारा खोया अंक ऊपर था। और दूसरे वाले परिस्थिति में क्या था, घटाकर कब प्राप्त करा था हमने, जब हमारा खोया अंक नीचे था, ठीक है। और तीसरा क्या है, भाग में हमने खोया अंक कैसे प्राप्त करा, खोया अंक हमने गुणे से प्राप्त करा। अब इसमें भी 3 थी, 3 वाली थी हमारा जो था, पहला दूसरा और तीसरा, कि हमारा खोया अंक सबसे किनारे पे था, ठीक है, सबसे किनारे पे था, इसमें बीच में था, इसमें पहले स्थान पे था, समझ में आ रहा आपको। तो जब किनारे पे था तो हमने भाग करके पता लगाया, बीच में था
तो हमने गुणा करके पता लगाया, और पहले स्थान पे था तो फिर हमने भाग करके पता लगाया। देखा आपने, तो खोया अंक हमारा कैसे खो जाता है प्रश्न में, और वो भी गणित के सवालों में हमको पता ही नहीं चल पाता है। और लेकिन अगर ये खोए अंक हमें कैसे मिलेंगे, अगर इसकी बात अगर पता चल जाती है तो आसानी से हमें अपने प्रश्नों को हल करने में बड़ी सुविधा होती है। तो आप पता लगा ले चुके होंगे कि किस तरह से धन के, ऋण के और भाग के सवालों में जो अंक हो जाते हैं उसको हम कैसे पता लगाते हैं। और बस आप लग जाइए अपने प्रश्नों को हल करने में, फिर देखिए खोया अंक फटाफट आपके पास मिलता जाएगा।